लकड़गंज पुलिस स्टेशन अंतर्गत दो युवकों द्वारा सीनियर सिटीजन के मामले पर पुलिस द्वारा कोताही बरतने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद होने के बावजूद भी पुलिस ने जख्मी सीनियर सिटीजन को 3 घंटे तक पुलिस स्टेशन में ही बैठाए रखा। इसका आरोप ऐसा पुलिस पर लगाया जा रहा है। इस मामले में पुलिस पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज होने के बावजूद पुलिस ने शिकायतकर्ता सीनियर सिटीजन को 3 घंटे तक थाने में बिठाए रखा, फिर गैर संज्ञेय अपराध के तहत मामला दर्ज कर उन्हें रवाना किया। पुलिस के इस रवैये से क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिकों में नाराजगी देखी जा रही है। आरोपियों के नाम समता नगर निवासी विवेक उर्फ पीयूष अंबादे उम्र 23 वर्ष और पंचशील नगर निवासी अर्पण कोसे उम्र 20 वर्ष है। ये दोनों भी इमारतों को पेंट करने का काम करते हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार जब पुलिस पर दबाव डाला गया तो तब जाकर विवेक को हिरासत में लिया गया। शिकायतकर्ता दरोड़कर चौक निवासी बालाजी रुद्राकार उम्र 69 वर्ष आकाश घी भंडार एंड जनरल स्टोर नाम की दुकान चलाते हैं। इसी चौक में पास एक इमारत में विवेक और अर्पण पेंटिंग का काम कर रहे थे। दोपहर करीब 2:30 बजे दोनों रुद्रकार की दुकान पर पहुंचे और बीड़ी का बंडल मांगा। रुद्रकार ने बंडल देकर 25 रुपए मांगे। फिर दोनों आरोपियों ने बंडल से 2 बीड़ियां निकाली और कहा कि ये 20 रुपए का ही आता है। ये कहकर उन्होंने खुला हुआ बंडल रुद्रकार को लौटा दिया। इस पर रुद्रकार ने कहा कि बंडल खोल कर बीड़ी ले ली है, अब इसे कोई नहीं खरीदेगा। इस पर विवेक और अर्पण ने रुद्रकार से बहस शुरू कर दी और दुकान का सामान फेंकने लगे। रोकने पर उन्होंने रुद्रकार से मारपीट शुरू कर दी। इसी दौरान वहां खड़े ग्राहक और दूसरे शिकायतकर्ता अशोक मिगलानी उम्र 65 वर्ष ने बीच बचाव करते हुए विवाद को रोकना चाहा। ऐसे में विवेक और अर्पण ने उन्हें सड़क पर पटक दिया और उनसे मारपीट की। इससे अशोक के कंधे पर गंभीर चोटें आई। दोनों ही आरोपी यही नहीं रुके, उन्होंने वहां रखी ईंट से बालाजी पर भी जानलेवा हमला कर दिया। इस बीच वहां भीड़ जमा हो गई तो आरोपी वहां से भाग खड़े हुए। हालांकि सारी घटना दुकान की सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। बताया गया है कि करीब 3 बजे बालाजी मामले की शिकायत करने लकड़गंज पुलिस स्टेशन पहुंचे। उन्हें और अशोक दोनों को गंभीर बीमारियां हैं। उन्हें उम्मीद थी कि वरिष्ठ नागरिक होने के चलते पुलिस जल्द ही सुनवाई कर राहत देगी। आरोप है कि चोटिल होने के बावजूद उन्हें थाने में करीबन 3 घंटे बैठा कर रखा गया। शाम करीब 6 बजे उन्हें केवल गैर संज्ञेय अपराध यानी NC की रिपोर्ट देकर चलता कर दिया गया। हालांकि बालाजी अनुरोध किया है कि सीसीटीवी रिकॉर्डिंग देखकर घटना की गंभीरता सत्यता और आरोपियों की पहचान की जा सकती है। सीनियर सिटीजन के साथ पुलिस इस रवैये से परिसर में रोष फैल गया है। जानकारी बाहर आते हुए ही पुलिस ने मामला दर्ज किया और विवेक को हिरासत में ले लिया है। आगे की जाँच जारी है। 2:30 बजे की घटना है। वो लोग आए, मेरे को बीड़ी का कट्टा मांगे, मैंने उनको बीड़ी का कट्टा दे दिया। तो बोले ये तो सस्ता मिलता है, बोले 20 रुपए का मिलता। बोले मैंने बोला 25 रुपए का है। तो उन्होंने वो कट्टा फाड़ा, 2-4 बीड़ी निकाले और वो कट्टा मेरे आंख पे फेंक दिया। तो मैंने बोला पैसे दे तू 25 रुपए, वो रिप्लेस नहीं होता, वो फोड़ दिया। तो फिर मेरे दुकान की बर्नी उठाया उसने, ये उठाया और फेंकना चालू कर दिया, मारना ये फेंक फेंक के। फिर वो बाबा जी थे वो भी गिर गए। ये बाबा जी जो आए थे जिनको गिराया वो कौन थे? वो कौन यानी गिराई के थे और वो उधर रहते, कभी कभी आते बात वगैरह करते हमारे से, मेरे उम्र के आए। तो बालाजी गणपतराव रुद्रकर यांनी काल एक तक्रार दिली की त्यांच्याकडे पेंटिंग करणारे 2 इसम आले आणि त्यांनी बीडीचे बंडल मागितले। त्यांच्या भाव जास्त लावला म्हणून वाद झाला आणि त्यांनी दुकानात तोडफोड केली आणि अशोक गिगलानी यांना मारहाण केली। बालाजी गणपत रुद्रकर हे पोलीस स्टेशनला आले होते, त्यांची तक्रार घेण्यात आली। तातडीने विवेक उर्फ पीयूष अंबादे याला आम्ही ताब्यात घेतले आणि पोलीस स्टेशनला आणून बसवलेले आहे। त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई केलेली आहे। जे जखमी होते अशोक गिगलानी त्यांना त्यांचा मुलगा पोलीस स्टेशनला आला होता की आमच्या माझ्या वडिलांना सुद्धा मार लागला आहे, त्यांना तातडीने पोलीस स्टेशनला घेऊन नेण्यास किंवा मे हॉस्पिटलला जाऊन मेडिकल करण्याकरता आम्ही त्यांना विनंती केली। त्यांनी सांगितले की आम्ही खाजगी दवाखान्यात त्यांना भरती केलेली आहे, आम्ही त्याबाबतसुद्धा माहिती काढली पण अशी कोणती माहिती आम्हाला प्राप्त झाली नाही।
कालपासून आम्ही गिगलानी यांच्या मुलांना फोन करून त्याच्या काय पोझिशन आहे ते घेण्याचा प्रयत्न करत आहोत, परंतु अद्याप तशी माहिती मिळाली आणि ते सुद्धा फोन उचलत नाही. वैद्यकीय प्रमाणपत्र आल्यावर त्यांच्यावर पुढील कारवाई करण्यात येईल. एक आरोपी ताब्यात आहे, एक इसम ताब्यात आहे, एक फरार आहे. NBC न्यूज के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ माहीम पठान की रिपोर्ट.